हे दोस्तों, स्वागत है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 15 में। और मैं कॉमिक सैंडी फिर से आप लोगों के सामने आ गया यूजुअली एक वीडियो लेके, जो कि बहुत ही लेट है। हाँ, मैंने 2-3 दिन लेट कर दिया फिर से, और मैं फिर से सॉरी बोलना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सुपीरियर स्पाइडरमैन का एपिसोड 15। तो हम लोगों ने अभी तक देखा था सुपीरियर स्पाइडरमैन ने उसका स्पाइडर आर्मी लेके पूरा का पूरा, जो कि शैडोलैंड है, वो एकदम मतलब हेल्स किचन में शैडोलैंड जो है, जो कि किंग पिन का साम्राज्य था या फिर उसका कॉलोनी और कैसल था, वो पूरा नष्ट कर दिया। और उधर से हॉब गॉबलिन भाग गए थे और किंग पिन भी किसी तरह भाग गया था एक अपना स्ट्रैटेजी बना के, जो कि उसका एक रेप्लिका को वो मार के उधर से रख के गया था। इधर हम लोग देखते हैं एक फिक्सिट शॉप से ये एपिसोड चालू होता है, जहाँ पे कोई बुढ़ा आदमी उस शॉप में कुछ ना कुछ तो फिक्स करता रहता है। और तभी हॉब गॉब्लिन उधर आ जाता है, और इस बुढ़े का नाम है द टिंकरर, और ये एक्चुअल में विलेंस के सारे टेक्नोलॉजिकल स्टफ को ठीक करता है, फिक्स करता है। और इधर ही हॉब गॉब्लिन आके तब उसी टिंकरर को ये उसका सामान और वेपन्स देके बोलता है, ये जल्दी से जल्दी ठीक करके दो, मुझे ये बहुत ही जल्दी चाहिए, ये अर्जेंट है, मैं आज के दिन मतलब शाम को आके ये वापस लेके जाऊंगा। तब टिंकरर बोलता है कि ओके, मैं करके दूंगा। और तभी वो अपने शॉप के बैक रूम में आता है, और उधर एक लड़का कुछ काम कर रहा था, वो कुछ चीज़ें फिक्स कर रहा था, और इसके नाम है स्टोन। और तभी वो टिंकरर मतलब वो बुज़ुर्ग इंसान उस स्टोन को बोलता है कि तुम्हें अभी तुम एक्चुअली ये स्टोन एक्चुअली किंग पिन के डर से इसके शॉप के पीछे, टिंकरर के शॉप के पीछे छिपा हुआ था और उसके शॉप में ही काम कर रहा था। लेकिन अभी वो बोलता है कि एक्चुअली किंग पिन जब मर गया है, तुम तो इधर से जा सकते हो, तुम्हें शॉप में छिपने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आखिरी एक काम करके जाओ, वो है ये हॉब गॉब्लिन के जो स्टफ। तो स्टोन खुश हो जाता है और वो बोलता है अभी वो अपना खेल खेलेगा और सबको बताएगा कि हॉब गॉब्लिन ने एक बार उसे बहुत ही बड़ी सी डरावना थ्रेट दिया था, और किंग पिन भी पहले बहुत बड़ा उसको डराया था, उसका ये बदला लेगा। और इधर हम लोग देखते हैं सुपीरियर स्पाइडरमैन, जो कि किंग पिन का शैडोलैंड था, वो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, उधर आके देख रहा है कि किंग पिन के बॉडी निकालना पड़ेगा। और जब किंग पिन का बॉडी सबको मिल जाता है, जो कि एक्चुअल में रेप्लिका है, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि वो एक्चुअल में किंग पिन नहीं है, तो सुपीरियर स्पाइडरमैन उधर से निश्चिंत होकर निकल जाता है, क्योंकि उसे और कहीं पर जाना था। और उधर हम लोग जानते हैं दो पुलिस वाले, जो कि सुपीरियर स्पाइडरमैन के ऊपर अभी शक कर रहे हैं, कैप्टन वॉटन अभी वो बोलती है कि वो रैथ बन के, जो कि और एक सुपर हीरोइन है, वो रैथ बन के सुपीरियर स्पाइडरमैन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा। उधर हम लोग देखते हैं द डेली ब्यूगल में आ जाते हैं, और डेली ब्यूगल में फिल यूरिक नाम का एक लड़का, जो कि हॉब गॉब्लिन के सारे कारनामों का वीडियोस और फोटोग्राफ्स डेली ब्यूगल को सप्लाई करता है, वही एक पेन ड्राइव में डेली ब्यूगल के लिए वही हॉब गॉब्लिन का सारे कारनामे सब कुछ लेके आया है, जो कि शैडोलैंड में हुआ था। और उस इस डेली ब्यूगल का भी एडिटर गॉबी उसको बोलता है कि एक्चुअल में वो बहुत खुश है और कितना पैसा चाहता है। ये बोलते हुए फिल यूरिक को वो एक बहुत अच्छी रकम की चेक दे देता है, और फिल यूरिक वो लेके खुश रहता है। लेकिन तभी उसके पास एक सिक्योर लाइन का कॉल आ जाता है, और वो वेब कॉल था किंग्सले के पास से, जो कि एक्चुअल में हॉब गॉब्लिन है। और हम लोगों को इधर ही पता चलता है कि हॉब गॉब्लिन फिल यूरिक जैसे बहुत सारे लोगों को एक के बाद एक हॉब गॉब्लिन बनने का फ्रेंचाइजी दे रहा है, मतलब हॉब गॉब्लिन एक्चुअली उसी का बनाया हुआ किरदार है, उसी का बनाया हुआ विलन है, वो पहले हॉब गॉब्लिन था, लेकिन अभी दूसरे लोग हॉब गॉब्लिन बन रहे हैं, और उसको इसके लिए पैसा मिल रहा है, किंग्सले को सभी हफ्ता वसूली की तरह हफ्ता दे रहे हैं। और इसीलिए किंग्सले तब फिल यूरिक को बोलता है, तुमने बहुत दिनों से पैसा नहीं दिया, इसलिए तुम्हें तुम कुछ भी करो, बैंक में डाका डालो या कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा। तो हॉब गॉब्लिन इसी तरह वो बहुत सारे बैंक लूटता है और पैसा इकट्ठा करता है। लेकिन स्पाइडरमैन तब सोच में पड़ जाता है कि हॉब गॉब्लिन इतने सारे बैंक लूटा है, लेकिन फिर भी कोई भी उसके स्पाइडर बॉट के कैमरे में क्यों नहीं आता है। तो यही चिंता करते करते सुपीरियर स्पाइडरमैन किसी भी इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाता है, जो कि एक्चुअली पीटर पार्कर के डेली लाइफ के साथ इर्द गिर्द
जड़ित था, वो मतलब कनेक्टेड था। तो तभी सुपीरियर स्पाइडरमैन मतलब डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस सोच में पड़ जाता है स्पाइडर आइलैंड में। क्या वो कहाँ पे उसकी खामियां है, क्या वो एक्चुअली डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के लाइफ को भूल नहीं पा रहा है और पीटर पार्कर के लाइफ में फुल डेडिकेशन दे नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अभी चारों तरफ हैंडल नहीं कर पा रहा है। एक तो दूसरी जगह से कॉल आ रहे हैं, उधर आंट मे भी बहुत चिंतित है, और इधर तभी एना मरी मार्कोनी उसे कॉल करती है और बोलती है उसे आना पड़ेगा अभी यूनिवर्सिटी में। उधर हम लोग देखते हैं ग्रीन गॉब्लिन बातें करते रहते हैं उसके एक दोस्त से, और वही बात ये था कि एक्चुअल में उन लोग ग्रीन गॉब्लिन ने जो स्पाइडर बॉट में एक हैक कर लिया था उसी की वजह से हॉब गॉब्लिन एडवांटेज ले रहा है, और हॉब गॉब्लिन का ये सारे कारनामों स्पाइडरमैन देख नहीं पा रहा है और वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ग्रीन गॉब्लिन अभी कुछ दिनों के लिए वो स्पाइडर बॉट का हैक बंद कर देगा। उधर हम लोग देखते हैं स्टेट एम्पायर यूनिवर्सिटी में पीटर पार्कर बैठा है उस यूनिवर्सिटी के चांसलर के साथ, और उस यूनिवर्सिटी का चांसलर बोल रहा है देखो तुम्हारे अटेंडेंस बहुत ही शॉर्टेज है, लेकिन तुमने जो थीसिस लिखा है और तुम्हारे स्कोर्स के हिसाब से तुमको मतलब हम लोग क्रेडिट तो ज़रूर देंगे। और उसके बाद पीटर पार्कर बोलता है ये डॉक्टर लमाजे की वजह से ही हुआ है, उनको भी थैंक्स बोलना चाहिए। और उधर हम लोग देखते हैं एना मरिया मार्कोनी के पास स्पाइडरमैन का मोबाइल था जिसमें बहुत देर से अलर्ट आ रहा था, और ये अलर्ट मिल रहा था हॉब गॉब्लिन का, क्योंकि अभी ग्रीन गॉब्लिन ने वो हैक वाला चीज़ बंद कर दिया है स्पाइडर बॉट में। तो अभी ग्रीन हॉब गॉब्लिन जब एक बैंक लूट रहा था तभी उसी का अलर्ट पहुंच गया सुपीरियर स्पाइडरमैन के पास, और वो आ गया हॉब गॉब्लिन को हराने के लिए, हॉब गॉब्लिन को मारने के लिए आ गया। लेकिन हम लोग तभी देखते हैं हॉब गॉब्लिन का ये सारा कारनामा एक्चुअल में स्टोन भी कैप्चर कर रहा था, और उधर हॉब गॉब्लिन और स्पाइडरमैन के बीच में मारपीट चलता रहता है, और हॉब गॉब्लिन उसके फायर उगलता हुआ शॉट निकाल लेता है और उसी शॉट से स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अचानक से वो शॉट का फायर बंद हो जाता है, क्योंकि जो बच्चा मतलब जो लड़का स्टोन नाम का उस हॉब गॉब्लिन्स के सारे इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर रहा था टिंकरर के शॉप में, उसने इसके ऊपर कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि वो अभी हॉब गॉब्लिन के सारे वेपन को कंट्रोल कर सकता है, और उसी ने अभी हॉब गॉब्लिन के इसी फायर शॉट को बंद कर दिया था, और हॉब गॉब्लिन स्पाइडरमैन के ऊपर मारने से मतलब चूक गया। लेकिन तभी स्पाइडरमैन उसके ऊपर एक घातक हमला कर देता है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन उसके शरीर में हॉब गॉब्लिन के शरीर में नैनोबॉट्स छोड़ देता है, और उधर हॉब गॉब्लिन एक छत पे गिर के अपना सूट छोड़ के उधर से निकल जाता है और भाग जाता है सारे आम इंसानों के बीच में, और वो अपने एक नॉर्मल सूट में आके फिर वो डेली बिगल के ऑफिस में जाता है, और वो जाके ही रॉबर्टसन को पूछता है जो कि एक एडिटर है उस डेली ब्यूगल में, और रॉबर्टसन से पूछता है मुझे एक बहुत ही लंबी बहुत बड़ी रकम की चेक दे दो, मैं हॉब गॉब्लिन का सारे वीडियोस ला के दूंगा सारे डेटास ला के दूंगा, लेकिन पहले ही मुझे एडवांस में चेक दे दो, क्योंकि उससे किंग्स ले के उधार भी चुकाना था। और लेकिन तभी हम लोगों को यही डेटा मिल जाता है कि सुपीरियर स्पाइडरमैन को उस नैनोबॉट्स जो कि फिल यूरिक के अंदर शरीर में है उससे पता चल जाता है कि ये एक्चुअल में फिल यूरिक है। तो सुपीरियर स्पाइडरमैन सारे न्यूयॉर्क के सारे शहर में सारे टीवीओं पे हैक करके ये न्यूज़ चला देता है कि हॉब गॉब्लिन कट लूज हो गया है, हॉब गॉब्लिन आप लोगों के बीच में ही है और उसका असली नाम है फिल यूरिक। जहाँ भी आपको ये इंसान मिल जाए आप कॉल कीजिए 1-800-555 स्पाइडी के नंबर पे, और एक क्या बोल सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए। तो इसी के साथ खत्म हो जाता है सुपीरियर स्पाइडरमैन के एपिसोड 15। मुझे लग रहा है काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है, मैंने अच्छी तरह कमेंट्री किया है, अच्छी तरह स्टोरी टेलिंग किया है इसका, अभी सिर्फ इंतजार है आप लोगों के कमेंट का। तो अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, सुपीरियर स्पाइडरमैन एपिसोड 16 जल्दी आ रहा है, गुड बाय।